सिर्फ यू ब्रश नहीं करना ठीक है यू हैव टू डू इट इन सर्कल्स एज वेल एंड कैन यू सी योर गम्स गम्स में 45 फाइव डिग्री का एंगल रख के लाइक दिस और हमने इसको वाइब्रेटरी मोशन में भी ब्रश करना है बिकॉज दिस इज़ द एरिया वेन वी ब्रश ना बेटा वेन वी ब्रश आर टी तो हमसे ऊपर से ब्रश कर देते हैं लेकिन वी डोंट नो इट कि ऊपर भी सरफेस है पीछे भी है और दांतों के दरम्यान के भी एरियाज़ हैं जो कि अनक्लीन रह जाएंगे सो so, हमने क्या करना है जब ब्रश करना है तो so इसको भी करना है गम्स को भी करना है और बैक ऑफ द टीथ पे भी करना है जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है अब उनको ना हम सिखाते तो रहे होते हैं माएँ भी सिखा रही होती हैं कि किस तरीके से दांत साफ़ करना है सब कुछ करना है मगर मोस्टली बच्चों को ये समझ आ नहीं रही होती मैं तो कहती हूँ स्कूल में भी ऐसे सेशन होने चाहिए ऐसे थोड़े से ना बच्चों को जो स्क्रीन है उस पर सिखाना चाहिए फिर कोई ऐसे जैसे आप यहाँ पर एक ढांचा लेकर आए हुए हैं दातों का तो उधर बिठा के बच्चों को सिखाना चाहिए ब्रशिंग भी ताकि उनकी प्रैक्टिस में उनको पता हो मैं खास अपनी बेटी को लेकर आई हूँ इसी आपके नो you सेगमेंट know, के लिए ताकि वो सीख सके कि ब्रशिंग कैसे करनी है और मुझे यकीन है कि फ़राल सीख जाती है तो पूरा पाकिस्तान सीख जाता है वेलकम ओवर कम 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 फास्ट जल्दी से हमने आज सीखना है <laughs> और she's डरना she's नहीं है घबराना नहीं है ट्राइंग या बच्चे जो है ना ये देखें इसकी शक्ल देखेगा तो ये रो रही है और बच्चों का से हाय ये रो रही है इनकी हालत हुई हुई है और डरी हुई है ठीक okay. है मगर देखें ये चीज़ें हमने सीखनी है फिर उसके बाद रोना भी नहीं है घबराना भी नहीं है क्लोज पे दिखाएं आंसू देखें बच्ची के इधर शक्ल दिखाएं जरा क्लोज पे ये हाल है इसका मुंह में स्माइल है मगर आंखों में आंसू है तो डॉक्टर्स को देख के बाद में फिर बच्चे ऐसे डरते हैं तो आज हमने सीखना है कि हमने अपना प्लाक और ये स्टेन और hmm. दाँत को अच्छी तरीके से सफाई कैसे करनी कि ये सब चीज़ें हो ही ना है ना डॉक्टर साहब कैसे करनी सबसे पहले बेटा हाउ आर यू जस्ट स्टॉप क्राइंग बेटा

आप सामने लगाओ कीप वॉचिंग इट बेशक और साथ साथ स्टार्ट ब्रशिंग यू टीथ और उसका एक पैटर्न है आपने सिर्फ यू ब्रश नहीं करना ठीक है यू हैव टू डू इट इन सर्कल्स एज वेल एंड कैन यू सी योर गम्स गम्स में 45 फाइव डिग्री का एंगल रख के लाइक like दिस और हमने इसको वाइब्रेटरी मोशन में भी ब्रश करना है बिकॉज दिस इज़ द एरिया वेन वी ब्रश ना बेटा वेन वी ब्रश आ टीथ तो से ऊपर से ब्रश कर देते हैं लेकिन वी डोंट नो इट कि ऊपर भी सरफेस है पीछे भी है और दांतों के दरमियान के भी एरियाज हैं जो कि अनक्लीन रह जाएंगे सो so, हमने क्या करना है जब ब्रश करना है तो so इसको भी करना है गम्स को भी करना है और बैक ऑफ द टीथ पे भी करना है एक बार करके दिखाओ वाइब्रेशन मोशन में भी जैसे उन्होंने समझाया uh, like like yeah. okay, ये ये कौन सा है ये कौन सा वाला करके दिखा दियो सर्कुलर परफेक्ट सर्कुलर वाला ठीक है और अब वाइब्रेशन वाला कैसे यस या ग्रेट फिर उसके बाद अंदर भी है ना ठीक है चलो यहाँ तक अच्छा, तो क्लियर so हो गया सो नाउ यू हैव टू टेल मी अब हमने सामने से भी कर दिया पीछे से भी कर दिया अब कौन सी सरफेस है जो कि अनक्लीन रह गई है व्हाट डू यू थिंक Teeth. Yes, between the teeth, right? अब क्या होगा कि when we have uh, food, you, you ate chocolate at night and वो आपके दांतों के दरमियान में कहीं फंसा हुआ है, so how are you going to clean it? विद फ्लॉस येस सो हमें क्या करना है हमें फ्लास करना है आइडियली आफ्टर एवरी मील करना चाहिए ठीक है बट आई नो फॉर यू इट्स गोइंग टू रियली हार्ड कि आप uh, हर खाने के बाद एट बिस्किट उसके बाद फ्लॉस करना पड़ रहा है सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट अगर आपको अभी शुरू में हैबिट डेवलप नहीं हो रही तो वट यू कैन डू इज़ कि आपको रात को डिनर करने के बाद आपने फ्लास करना है यू नो अगेन

फ्लॉस हाँ। करने के बाद ब्रश यू टीथ जेंटली डोंट ब्रश हार्ड और उसके बाद आपने सो जाना है और ब्रश मीडियम लेना है हमने। uh, या soft, soft. ओ, okay. her, सकते हैं बड़े मीडियम लेकिन आई डोंट एनकरेज लेकिन uh, अगर दिखा 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 आपने स्केलिंग, हाँ। स्केलिंग करवा ली हुई है हाँ। तो बेशक सुबह फ्लॉस यूज है सॉफ्ट या स्लिम सॉफ्ट दोनों अच्छा क्या बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है या बच्चे बड़े वाले टूथपेस्ट भी इस्तेमाल बच्चों का अलग होता है उसके बाद दोबारा से ब्रश कर लो ठीक है समटाइम्स हम करते हैं हम सो के ब्रश करके सो जाते हैं सुबह उठ के फिर ब्रश करते हैं फिर खाना खाने जाते हैं अब होता यह आपने खाना खा लिया ब्रश करके और वैसे तो ऑलरेडी क्लीन था वो आपका जॉ फिर आपने फूड इंपैक्टेड रह गया वो पूरा दिन आपके खाना फंसा रहेगा दांतों में सो so अगर आपने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लिया तो फिर आपका थ्रू आउट द डे आपके, आपके दांत जो हैं, दे विल बी क्लीन चलो एंड यू नो व्हाई वी नीड डिफरेंट टूथपेस्ट क्योंकि अमूमन कुछ अमूमन uh, कुछ टूथपेस्ट uh, uh, बड़ों के टूथपेस्ट में कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि बच्चों की ग्रोथ को इनहेबिट करता है ठीक है so, इसलिए बच्चों में कभी भी बड़ों का टूथपेस्ट नहीं यूज nice, करना चाहिए। नहीं, ना। फिलहाल वो आपका कैमरा है सारे बच्चों को देख के जल्दी से बोल दो माइक मुझे लगा मेरे पास रह के yeah. बता दो क्या क्या करना है किस तरह ब्रश करना जल्दी बोलो ब्रश्रेशन ऑन आर टीथ एंड the last part of the, the behind part of your teeth and you should even floss between your teeth because they will all because they will they will have many chunks of food in and there. when is the best time to brush um, morning after breakfast and before sleep